हाय नमस्कार एंड आई वेलकम यू टू आवर यूट्यूब चैनल। आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि हाउ टू इंस्टॉल सैप GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। जैसे कि आपने थंबनेल पे भी देख लिया होगा कि मैंने डाला था कि हाउ टू इंस्टॉल सैप GUI फॉर एनी मॉड्यूल्स लाइक MMPP, SD, FICO या फिर सैप के बहुत सारे मॉड्यूल्स होते हैं लाइक टेक्निकल बेसिस सिक्योरिटी राइट। सो जितने भी सैप के मॉड्यूल्स होते हैं उनके लिए सैप GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस जो है मैंडेटरी होता है राइट। एंड सबके लिए सेम होता है राइट। ऐसा नहीं है कि MM के लिए अलग रहने वाला है, SD के लिए अलग रहने वाला है, FICO के लिए अलग रहने वाला है या Apper के लिए अलग रहने वाला है। GUI जो है सेम रहने वाला है राइट। सो पहले जो है कुछ मिथ्स होते हैं स्टूडेंट्स के, उनको क्लियर कर लेते हैं क्योंकि मैंने मोर देन 30,000 स्टूडेंट्स को जो है सैप GUI जो है इंस्टॉल करवाया है एंड उनकी ये जो है क्वेरीज आती थी, वो मेरे से पर्सनली कांटेक्ट करते थे तो उनकी ये क्वेरीज आती थी। तो जितनी भी क्वेरीज होती थी वो मैंने यहाँ पर कंपाइल की है एंड अब आपको जितनी भी क्वेरीज होती हैं, अगर आप बिगिनर हो तो आपको ये क्वेरीज नहीं आएंगी राइट। एंड एक और चीज कि लेक्चर के एकदम लास्ट तक बने रहना, बहुत सारी चीजें आपके साथ यहाँ पे डिस्कस करनी है लाइक आप कैसे सैप फ्री सोर्स से सीख सकते हो, तो वो भी हम लास्ट में डिस्कस करेंगे राइट। सो पहली क्वेरी रहती है स्टूडेंट्स की जनरली कि सर मेरा विंडो 7 है, मेरा विंडो 8 है, मेरा विंडो 10 है, क्या ये मेरे में वर्क करेगा नहीं करेगा। सो लेट मी क्लियर यू कि आपका विंडो 7 हो, 8 हो, 10 हो, XP हो, कोई सा भी विंडो हो, ये सारे विंडोज़ के अंदर जो है आप इसको इंस्टॉल कर सकते हो एंड स्मूथली इसको यूज़ कर सकते हो सैप GUI को राइट। एंड दूसरी चीज़ की ये मैकबुक के लिए नहीं है, अगर आपको मैकबुक का इंस्टॉलेशन कराना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा जो है व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, वहाँ पर आप मुझे DM कर सकते हो, हम लोग आपकी हेल्प करा देंगे फॉर मैक राइट। ये जो है सेटअप दिस इज फॉर विंडोज राइट। सो विंडोज 7 हो, 8 हो, 10 हो, कोई सा भी आपके पास विंडोज का लैपटॉप या डेस्कटॉप हो, वो उसमें आप सैप GUI हमारा जो है स्मूथली यूज कर सकते हो राइट। सेकेंड क्वेरी होती है कि सर मेरे पास लैपटॉप नहीं है, मेरे पास डेस्कटॉप है, क्या मैं यूज कर सकता हूँ सैप GUI विद सैप सर्वर। यस आप यूज कर सकते हो, आपके पास लैपटॉप हो या डेस्कटॉप हो कोई फर्क नहीं पड़ता ठीक है, प्रोसीजर एकदम एग्जैक्टली सेम रहने वाला है। तीसरा बच्चों का मिथ रहता है कि सर मेरा जो सिस्टम स्पेसिफिकेशन है वो बहुत अच्छा नहीं है, मेरे पास सिर्फ 2 GB रैम है मेरे लैपटॉप का, मेरा लैपटॉप बहुत पुराना है एंड इसका रैम जो है हार्डली 2 या 4 GB है एंड इसका हार्ड ड्राइव बहुत कम है एंड इसका स्पेस जो है वो हार्डली 8 से 10 GB बचा है। इट्स टोटली फाइन यार, अगर आपका रैम 2 हो, 2 GB हो, 4 GB हो, 8 GB हो, इट्स टोटली फाइन क्योंकि सर्वर जो है ऑनलाइन रहने वाला है, सारा डेटाबेस हमारे पास सेव रहता है, आपको हार्डली 1 GB स्टोरेज का रिक्वायरमेंट रहता है राइट सिर्फ GUI का इंस्टॉलेशन में, बाकी सर्वर का एक्सेस का जितना भी डेटाबेस है वो हमारे पास सेव रहता है, आपको सिर्फ यूजर ID एंटर करना होता है एंड पासवर्ड एंटर करना होता है एंड यू आर रेडी टू यूज, आप जो है 24/7 उसको प्रैक्टिस कर सकते हो राइट। सो रैम 2 GB हो, 4 GB हो, 8 GB हो कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी जो करंटली मैं जिसके ऊपर ये वीडियो बना रहा हूँ उसका भी 4 GB रैम है, आई कैन एश्योर यू कि मैं स्मूथली इस पे जो है अपने सर्वर्स को रन कर पाता हूँ, मेरे को कोई इशू नहीं आता है। फोर्थ क्वेरी जो स्टूडेंट्स की रहती है सैप GUI वर्जन की राइट। सो अभी हम जो इसमें वीडियो में जो इंस्टॉल करने वाले हैं वो 7.4 वर्जन यूज इंस्टॉल करने वाले हैं, 7.40, 7.60 भी मार्केट में अवेलेबल है, 7.70 भी मार्केट में अवेलेबल है ठीक है। हमको जो बेस्ट लगता है वो 7.40 लगता है तो हम स्टूडेंट्स को 7.40 ही इंस्टॉल कराते हैं राइट। सो अगर 7.40 आपके पास है या 7.50, 6.0, 7.0 कोई सा भी वर्जन GUI का है उससे फर्क नहीं पड़ता है, ऑलमोस्ट सारे सेम होते हैं, फर्क जो पड़ता है वो सर्वर पे पड़ता है लाइक आप
अभी लेटेस्ट सर्वर यूज कर रहे हो या फिर आप प्रीवियस सर्वर यूज कर रहे हो, लाइक ECC में EH7 कर रहे हो, EH8 कर रहे हो, S4 HANA कर रहे हो, तो सर्वर्स पे डिपेंड करता है, राइट। GUI इज टोटली फाइन, अगर आप 7.40 कर रहे हो या फिर ऑलरेडी आपके पास 7.60 अवेलेबल है, इट्स टोटली फाइन। देन ये भी बच्चों की क्वेरी रहती है कि सर क्या GUI जो है अलग अलग मॉड्यूल का अलग अलग रहता है? नहीं, सेम GUI यही सिंगल रहेगा। इसके ऊपर आप सारे मॉड्यूल्स का सर्वर आपको परचेज करना होता है, आप किसी भी मॉड्यूल के सैप का सर्वर परचेज करो, इस पर सर्वर क्रेडेंशियल्स ऐड करो GUI पे, एंड देन आप रेडी टू प्रैक्टिस हो जो है हो जाते हो, राइट। आप प्रैक्टिस कर सकते हो, राइट। तो मॉड्यूल वाइज नहीं होता है सैप GUI, सैप GUI ये सिंगल होता है, सर्वर्स होते हैं मॉड्यूल वाइज, राइट। हाँ, बच्चों का ये भी डाउट रहता है कि मैंने अभी ये GUI इंस्टॉल कर लिया तो क्या मेरे को सर्वर भी परचेज करना पड़ेगा या फिर मैं बिना सर्वर के सिर्फ GUI पे प्रैक्टिस कर सकता हूँ? दोनों अलग अलग होते हैं क्या? हाँ, दोनों दोनों अलग हैं। GUI, SAP GUI इज लाइक फ्रंट एंड, राइट। SAP GUI जो है फ्रंट एंड होता है, लाइक एंट्री गेट होता है। आप कह सकते हो प्रैक्टिकली कि लाइक एक एंट्री गेट होता है जो आपको इंस्टॉल करना मैंडेटरी तो होता है, लेकिन प्रैक्टिस करने के लिए आपको सर्वर्स का भी रिक्वायरमेंट होता है, राइट। प्रैक्टिस के लिए आपको सर्वर लेना होता है। देन ये बच्चों को बहुत बहुत ज़्यादा जो है डाउट रहता है कि सर मेरे पास 3G है, मेरे पास 4G है, या फिर मेरे पास वाईफाई अवेलेबल नहीं है, मेरे पास वाईफाई अवेलेबल है तो क्या मैं सर्वर को यूज़ कर सकता हूँ? ऑनलाइन सर्वर को यस, और अगर आपके पास 3G डेटा भी है तो भी आप स्मूथली सर्वर को जो है यूज़ कर सकते हो। एंड आज के टाइम पे आई गेस मोस्टली सब लोगों के पास 4G होता है हमारे इंडिया में, थैंक्स टू जियो, हर किसी के पास 4G अवेलेबल है आज के टाइम पे, राइट। आप 3G 4G वाईफाई के एकदम नॉमिनल स्पीड पर भी स्मूथली सर्वर को रन कर सकते हो, सर्वर सर्वर पर प्रैक्टिस कर सकते हो। और बच्चों का ये भी डाउट रहता है स्टूडेंट्स का कि एक GUI पे हम कितने सर्वर ऐड कर सकते हैं? लाइक सर आपसे हमने जो है आपके वीडियो से फ्रीली हमने GUI इंस्टॉल कर लिया, तो अगर हम किसी और से अगर मार्केट में सर्वर लेने जाएं या फिर किसी और मॉड्यूल के लिए आपसे ही सर्वर लें तो उसके लिए क्या हमको अलग से GUI इंस्टॉल करना पड़ेगा? एब्सोल्युटली नॉट। आपके पास GUI इंस्टॉलेशन वन टाइम होता है, आपको एक बार GUI इंस्टॉलेशन करना है, उसके बाद आप उसके ऊपर एन नंबर ऑफ सर्वर्स यूज कर सकते हो, 3 सर्वर, 4 सर्वर, 5 सर्वर एट अ टाइम आप यूज कर सकते हो, जो मैं आपको एट द एंड दिखाऊंगा अभी, राइट। आपको मैं सेम GUI पे ECC पर भी लॉग इन करके दिखाऊंगा, S4 HANA पे भी लॉग इन करके दिखाऊंगा, राइट। सो इट्स टोटली ओके, आप GUI पे जो है एन नंबर ऑफ सर्वर्स यूज कर सकते हो, राइट। एंड देखो मार्केट में एकदम आपको क्रिस्टल क्लियर कर देते हैं कि सैप सर्वर्स कितने टाइप्स के अवेलेबल होते हैं एंड क्या क्या उसके लिए स्पेसिफिकेशंस का रिक्वायरमेंट होता है, तो एकदम क्रिस्टल क्लियर कर लेते हैं। दो तरह के सर्वर्स अवेलेबल होते हैं मार्केट में, वन इज ऑनलाइन एक्सेस एंड सेकेंड इज लोकल सर्वर इंस्टॉलेशन, राइट। इस केस में क्या होता है कि ऑनलाइन सर्वर में आप जो सारा डेटाबेस होता है वो सर्वर प्रोवाइडर के पास में होता है, राइट। आपका एकदम नॉमिनल स्पेसिफिकेशन पे भी आप इजिली स्मूथली इस पर रन कर सकते हो। इस मेथड में जो है क्या होता है कि सर्वर प्रोवाइडर आपको पर्सनल यूजर आईडी, डेडिकेटेड यूजर आईडी एंड पासवर्ड आपको देगा जो सिर्फ आप ही यूज करोगे। ऐसा नहीं है कि शेयरिंग में आपको यूजर आईडी दी जाती है, स्पेशली हमारी तरफ से तो नहीं दी जाती, औरों का तो हमको नहीं पता, लेकिन हम हर एक एक एस्पिरेंट को एक पर्सनल डेडिकेटेड यूजर आईडी देते हैं, राइट। उसके नाम पर क्रिएट की जाती है जिसको सिर्फ वही यूज करता है, राइट। एंड इस मेथड में क्या होता है कि आपके सैप आपके कंप्यूटर पे जो है इंस्टॉलेशन करा दिया जाता है, तो इसमें फिर आपको जो है सर्वर की डिटेल्स, यूजर आईडी, पासवर्ड इन सब की रिक्वायरमेंट होती नहीं है, राइट। जो ऑनलाइन सर्वर होता है वो आपको रेंट पे लेना होता है, वो आप मंथली रेंट भी ले सकते हो, क्वार्टरली,
एनुअली बेसिस पे आप जो है रेंट पे सर्वर ले सकते हो, राइट। लाइक मंथली जो चार्ज होते हैं वो स्लाइटली मोर होते हैं देन क्वार्टरली चार्जेस, एंड देन एनुअली बेसिस के जो चार्जेस होते हैं वो बहुत ही नॉमिनल चार्जेस होते हैं, राइट। सो लेकिन जो सैप लोकल सर्वर इंस्टॉलेशन होता है ये भी फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होता है, इसके लिए भी आपको वन टाइम चार्ज करना होता है, राइट। एंड उसके बाद में फिर हमें कोई गारंटी नहीं होता है इस केस में, एक बार वो इंस्टॉलेशन करके आपसे पैसे ले लेते हैं, देन अगर आपके सर्वर में कुछ इशू आता है तो उसके लिए आप खुद ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं, आप किसी को नहीं बोल सकते हो। लेकिन ऑनलाइन सर्वर में अगर आपको कुछ भी इशू आता है, लाइक हम अपने केस का बता सकते हैं, कुछ भी इशू आता है तो हमारी जो है एबैपर्स की एंड बेसिस की जो है डेडिकेटेड टीम है सर्वर के लिए, तो अगर कुछ भी अगर इशू आता है तो वो उसको इमीडिएटली रिजॉल्व करके देते हैं, राइट। सो इसी चीज़ का आपसे जो है चार्ज लिया जाता है, राइट। तो इसमें भी लोकल सर्वर पे भी आपको जो है पे करना होता है, वन टाइम पे करना होता है, देन उसके बाद में उनका कोई गारंटी नहीं होता। अगर आपको कुछ एरर आता है, कोई भी इशू आता है वेबसाइट, अगर कुछ भी बग आता है तो आपको खुद हैंडल करना होता है। सो ऑनलाइन सर्वर में आपको हमेशा इंटरनेट कनेक्शन का रिक्वायरमेंट होता है उसको रन करने के लिए, लेकिन लोकल सर्वर में आपको रिक्वायरमेंट इंटरनेट का नहीं होता। एंड आई गेस इंडिया में आज के टाइम पे तो कोई इशू नहीं रहता है इंटरनेट का, हर बच्चे बच्चे के पास में 4G अवेलेबल है। बच्चों का एक और डाउट रहता है स्टूडेंट्स का, सैप एस्पिरेंट्स का जो सर्वर लेते हैं, राइट, कि सर मैं जो है रिचार्ज कराता हूँ तो 1 GB कराता हूँ तो क्या मेरा प्रैक्टिस करने के लिए मोर देन सफिशियंट है? यार आपको एक दिन में 100 से 200 MB और 300 MB इज मोर देन सफिशियंट, राइट। उससे ज़्यादा नहीं लगने वाला, आप 6 7 8 घंटे भी प्रैक्टिस कर लोगे सर्वर पे तो उससे ज़्यादा नहीं जो है आपका डेटा यूज होने वाला है, मैक्सिमम आप 400 500 MB मान लो एक दिन का। ऑनलाइन सर्वर में आप मिनिमम कॉन्फ़िगरेशंस के साथ भी जो है सैप जीयूआई इंस्टॉल करके आप प्रैक्टिस कर सकते हो सर्वर को, कि जो क्रेडेंशियल्स हैं उसको ऐड करके। अगर से कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर जिसका 2 GB रैम है जिनके लैपटॉप में है, जिनके लैपटॉप में 8 GB रैम है, अगर आपका डेटा कनेक्टिविटी अच्छा है, वाईफाई कनेक्टिविटी अच्छा है, तो आपका भी उतना ही अच्छा चलेगा जितना 8 GB रैम लैपटॉप वाले यूजर का चलने वाला है। लेकिन लोकल सर्वर इंस्टॉलेशन में अगर आपको स्मूथली रन करना है तो आपका अच्छा खासा रैम होना चाहिए, एटलीस्ट 8 से तो ज़्यादा रैम होना चाहिए अगर आपको अच्छे से स्मूथली अगर रन करना है सर्वर को, अदरवाइज वो हैंग करेगा बहुत ज़्यादा। एंड डिस्क स्पेस 320 GB तक होना चाहिए। हम देखेंगे कि कैसे हम सैप को डाउनलोड करेंगे, इंस्टॉल करेंगे अपने लैपटॉप में। एंड आपके लिए मैंने अपने भी लैपटॉप से सैप जो है अनइंस्टॉल कर दिया है, जिससे कि मैं आपको एकदम अच्छे से समझा सकूं कि कैसे इंस्टॉल करेंगे, राइट। सो आज के इस इंस्टॉलेशन वीडियो में हम इतने अच्छे से सीख लेंगे इंस्टॉलेशन, मैं गारंटी दे सकता हूँ आपको कि अगर आपके फैमिली में कोई बच्चा हो जो 8th या 10th स्टैंडर्ड में भी पढ़ता हो, आप उनको लैपटॉप उनके हाथ में थमा के चले जाओ, वो अगर इंस्टॉल ना कर पाए अच्छे से तो आप मेरे को आके बोल सकते हो, राइट। क्या बात है सर, क्या। सो चलिए शुरू करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। गूगल ड्राइव का लिंक जो है दे दिया है जहां से आपको डाउनलोड करना है सैप जीयूआई का जिप फाइल, राइट। ये आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा वीडियो के, एंड सैप जीयूआई डाउनलोड लिंक करके उस पर आपको क्लिक करना है, राइट। मैं इसको पेस्ट कर लेता हूँ गूगल पर डायरेक्ट। सो आपको डायरेक्टली वो वहां पे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा एंड पहले पिन कमेंट में मिल जाएगा। देन आपको ये गूगल ड्राइव का रिक्वेस्ट सेंड करने का जो है ओपन होगा, इसमें आप लिख सकते हो कुछ भी लाइक प्लीज गिव मी एक्सेस, एंड यहाँ से रिक्वेस्ट एक्सेस पे क्लिक करोगे, राइट। तो ये जो है रिक्वेस्ट चला जाएगा हमारे पास, ऐसे करके हमारी टीम आपको ये जो है जीयूआई का जो सेटअप है, जिप फाइल है, वो आपको सेंड कर देगी। आपको जीमेल में जाके चेक करना है, देन इस पे आपको क्लिक करना है, देन आपको यहाँ से हम जो है सेटअप सेंड कर देंगे, देन आपको उसको डाउनलोड करना है एंड डाउनलोड एनी वे, राइट। सो ये आपको शो करेगा कि ये कांट स्कैन दिस फाइल फॉर वायरसेस, इसको डाउनलोड एनी वे करना है।
एंड मेक श्योर करना है कि आपके लैपटॉप में जो है एंटीवायरस अगर होगा तो फिर इंस्टॉलेशन में प्रॉब्लम आएगा। आप दूसरे लैपटॉप से ट्राई करो या फिर आपको एंटीवायरस जो है आपको अनइंस्टॉल करना होगा। पहले आप एंटीवायरस के साथ में ट्राई कर सकते हो, उसके बाद में फिर आप अगर ना हो, अगर वो वर्क ना करे तो फिर आपको एंटीवायरस जो है अनइंस्टॉल करना होगा। गाइस यू कैन सी ये ऑलमोस्ट डाउनलोड हो चुका है, सैप GUI 7.40 जिप फाइल, एंड ये ऑलमोस्ट 1.18 GB की फाइल है, एंड इट विल टेक ऑलमोस्ट 10 to 15 मिनट एट मैक्स। ये टोटली डिपेंड करता है कि आपकी वाईफाई स्पीड कैसी है। सो इट्स डन, देन आपको इसको डबल क्लिक कर देना। देन आपको ये ओपन होगा एंड इसको ये आएगा प्लीज परचेज विन आर ए आर लाइसेंस, तो इसको आपको जो है क्लोज कर देना है। एंड यहाँ से आपको BDNW 7.0 प्रेजेंटेशन ये सेलेक्ट करना है, डबल क्लिक करना है, प्रेस वन डबल क्लिक करना है, GUI डबल क्लिक करना है, विंडोज डबल क्लिक करना है, Win32 डबल क्लिक करना है, एंड सेट यहाँ पर आपको लास्ट ऑप्शन मिलेगा सेट अप ऑल .exe, इसको आपको सेलेक्ट करके राइट क्लिक करना है, एंड यहाँ से आपको सेलेक्ट करना है एक्सट्रैक्ट टू स्पेसिफिक फोल्डर, एंड देन आपको यहाँ से डेस्कटॉप सेलेक्ट कर लेना है। ओके, आपको सेटअप ऑल .exe पर डबल क्लिक करना है एंड ये एक्सट्रैक्ट जो होना स्टार्ट हो जाएगा। नाउ इट विल टेक 2 to 3 मिनट, तो हम वीडियो को पॉज कर देते हैं। देन आपको एक यहाँ पर नोटिफिकेशन आया था, डू यू वॉन्ट टू अलाउ दिस ऐप टू मेक चेंजेस टू योर डिवाइस, उसको यस करना था। ये पॉपअप आया था जो कि स्क्रीन रिकॉर्डिंग में सेव नहीं होता है, राइट। देन उसको यस करना है एंड देन आपको फिर ये फ्रंट एंड इंस्टॉलर जो है ओपन होगा, इसको नेक्स्ट करना है। यहाँ पर आपको सेलेक्ट ऑल करना है, ये दो ऑप्शन है डिसेलेक्ट ऑल और सेलेक्ट ऑल, यहाँ पर आपको सेलेक्ट ऑल करना है एंड नेक्स्ट करना है, देन ये इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगा। देन इंस्टॉलेशन ऑफ सैप प्रोडक्ट कंप्लीटली सक्सेसफुल, इसको क्लोज कर देना है आपको, राइट। इसको मिनिमाइज कर लेते हैं। नाउ सी, यहां पर आपको सैप लॉग ऑन पैड जो है दिख जाएगा स्क्रीन पे आपके डेस्कटॉप पे, एंड इसको आपको डबल क्लिक करना, यस करना है। एनी आपका ओपन हो जाएगा, राइट। सो जितनी भी हमारी सैप की फाइल्स हैं उनके लिए हम अलग से फोल्डर बना लेते हैं, इनको हम डिलीट नहीं करेंगे। हम यहाँ पर इसको सैप के नाम से एक फोल्डर बना लेते हैं, राइट। एंड सैप लॉग ऑन पैड को छोड़कर जितनी भी सैप की फाइल हों, सेटअप फाइल, इनको आपको इसके अंदर कॉपी पेस्ट कर देना है और कट पेस्ट कर देना है, राइट। सो हम इसको यहां से कट पेस्ट कर लेते हैं, राइट। एंड दिस इज आवर सैप लॉग ऑन, तो इस पर डबल क्लिक करना है। पर हमको अपने जो सर्वर्स के जो क्रेडेंशियल्स होंगे वो ऐड, अभी मेरे ऑलरेडी यहाँ पर 4-5 सर्वर ऑलरेडी मैंने यहाँ पर ऐड कर रखे हैं, इसलिए मेरे को ये ऐसा शो हो रहा है। अदरवाइज ये आपको एकदम ब्लैंक शो होगा, लाइक दिस आपको ये शो होगा एकदम ब्लैंक। सो हमने सक्सेसफुली सैप का जो इंस्टॉलेशन कर लिया है, देन आपको सर्वर जो क्रेडेंशियल्स होंगे वो आपको अपने सर्वर प्रोवाइडर से परचेज करने होंगे, रेंट पे लेने होंगे, लाइक 1 month plan, 2 month plan, 3 month plan या 6 month plan, जो भी प्लान आपको लेना है, राइट। सो वो आपको क्रेडेंशियल्स अपने सर्वर प्रोवाइडर से लेने होंगे एंड वो आपको ऐसे क्रेडेंशियल्स प्रोवाइड करेंगे। एंड मैं अभी आपको बता देता हूँ कि जब
लाइक आप हमसे लेते हो क्रेडेंशियल, सर्वर क्रेडेंशियल्स, राइट। सो आपको कैसे इनको ऐड करना है सैप जीयूआई पे, तो वो हम देख लेते हैं, राइट। सो आपको एकदम ऐसे करके ब्लैंक जो है जीयूआई ओपन होगा, इसमें ये जो क्रिएट का न्यू का ऑप्शन है इस पे आपको जाना है, एंड न्यू में आपको नेक्स्ट पे जाना है, राइट। यहां पर आपको कुछ भी चेंज नहीं करना, कनेक्शन टाइप में कस्टम एप्लीकेशन सर्वर ही रहने देना है। डिस्क्रिप्शन में जो मैं प्रोवाइड करूंगा आपको डिस्क्रिप्शन, लाइक हम जो है ECC का डेडिकेटेड सर्वर प्रोवाइड करते हैं, तो मैं ECC डेडिकेटेड सर्वर यहां पर एंटर करूंगा। राइट, एन एप्लीकेशन सर्वर जो मैं आपको प्रोवाइड करूंगा वो यहां पर आपको एंटर करने हैं, एंड राइट। सो यहां पर आप कॉपी पेस्ट भी कर सकते हो, लेकिन इस चीज का ध्यान रखना कि अगर हल्का सा भी स्पेस अगर आपने कॉपी पेस्ट किया एंड स्पेस अगर हल्का सा भी एक्स्ट्रा आ गया एंड आप वहां पर एंटर करते हो तो फिर आपको ये एरर शो करेगा। सो इट्स बेटर कि आप मैन्युअली इसको जो है इनपुट दो, लाइक राइट। सो एप्लीकेशन सर्वर 2.176, सो इट्स बेटर कि आप जो है मैनुअली इसको दो 122.176.112.165, राइट। इंस्टेंट नंबर इज 09 एंड सिस्टम आईडी इज EH7। राइट, एंड सैप राउटर स्ट्रिंग की आपको रिक्वायरमेंट नहीं होती है अगर आप विंडोज यूज कर रहे हो, अगर आप मैक यूज कर रहे हो तो आपको सैप राउटर स्ट्रिंग की रिक्वायरमेंट होती है, राइट। देन आपको नेक्स्ट करना है एंड फिर नेक्स्ट करना है एंड देन फिनिश, राइट। तो हमने यहां पर अपने क्रेडेंशियल्स ऐड कर लिए हैं, राइट। सो लेट मी शो यू, राइट। सो हियर इट इज ECC डेडिकेटेड सर्वर, राइट। सो इसको आपको सेलेक्ट करना है, राइट। ये थीम है, लाइक मेरे यहां पर अप डाउन आ रहे हैं, आपके यहां पर राइट साइड में कॉर्नर में आ सकते हैं, तो आप जो है थीम चेंज भी कर सकते हो। मैंने शॉर्ट्स बनाए हुए हैं बेसिक कॉन्फ़िगरेशंस के, मैंने जो है शॉर्ट्स बनाए हुए हैं, लाइक आप साउंड को कैसे चेंज कर सकते हो, फॉन्ट साइज कैसे चेंज कर सकते हो, उसके लिए मैंने ऑलरेडी बहुत सारे शॉर्ट्स बनाए हुए हैं, शॉर्ट्स लेक्चर। सो वो आप जो है शॉर्ट्स के प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हो। सो आपको सेलेक्ट करना होगा सर्वर, राइट, देन लॉग इन पर क्लिक करना होगा एंड दो यूजर आईडीज मैंने यहां पर फ्री ऑफ कॉस्ट दी हैं, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व है, राइट। जो लोग भी पहले एक्सेस करेंगे ये उनकी हो जाएगी, 1 मंथ का प्लान है, राइट। ये स्टूडेंट्स के लिए गिव अवे है मेरी साइड से। सो यहां पर आपको टेस्ट यूजर देना है एंड पासवर्ड 123456 देना है एंड देन एंटर, राइट। देन ये ओपन हो जाएगा, राइट। सो यहां पर आप न्यू पासवर्ड, आप अपना पासवर्ड दोगे, राइट, क्योंकि हम आपको जो सर्वर प्रोवाइड कर रहे हैं वो डेडिकेटेड यूजर आईडी प्रोवाइड कर रहे हैं, तो ये अब आपकी पर्सनल यूजर आईडी है तो आपको खुद का पासवर्ड देना है एंड आपको, राइट, लाइक दैट यू कैन गिव एनी पासवर्ड, राइट राइट। देन रिपीट करना है पासवर्ड एंड एंटर, सर्वर ऐसे करके ओपन हो जाएगा। दिस इज आवर डेडिकेटेड सर्वर। सो यहां से आप अपने ट्रांजैक्शंस चेक कर सकते हो, लाइक पीओ के लिए ME21N होता है, राइट। सो फर्स्ट टाइम में ये थोड़ा टाइम लेगा लोड होने में, देन सेम यूजर सेम टी कोड्स को अगर दोबारा आप ओपन करते हो तो ये बिल्कुल भी टाइम लेने नहीं वाला है।
राइट सो ये तुरंत जो है ओपन हो जाएगा, राइट। सो दो यूजर आईडीज का गिव अवे है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, जो भी पहले दो यूजर्स होंगे उनको ये वन मंथ का जो है वो मिलने वाला है। उसके बाद फिर आपको जो है प्लान जो है परचेज करना होगा, रेंट पे जो है प्लान लेना होगा, राइट, लाइक 3 मंथ 6 मंथ जो भी आप लेना चाहो आप ले सकते हो। एंड दो यूजर्स जो होंगे, टेस्ट यूजर 01, टेस्ट यूजर 02, पासवर्ड यूज करना है 123456। प्लीज कमेंट सेक्शन में आके कंप्लेन मत करना कि सर ये जो है वर्क नहीं कर रहा है, क्योंकि जो स्टार्टिंग के जो भी दो यूजर होंगे ये उनके लिए ही जो है रहने वाला है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर, राइट। सो उसके बाद फिर आपको जो है रेंट पे लेना होगा सर्वर, राइट, एंड इसकी वैलिडिटी 1 मंथ की रहने वाली है, राइट। एंड देन आप अगर आपको लॉग आउट करना है तो उसके लिए मैंने बहुत सारे लेक्चर्स बनाए हुए हैं, बेसिक लेक्चर्स, तो सिंपली आपको backslash NEX से आप लॉग आउट कर सकते हो, या फिर यहाँ से क्लोज बटन है उस पर क्लिक करके भी ये पॉपअप होगा, डू यू वॉन्ट टू लॉग ऑफ, यस, ऐसे करके आप लॉग ऑफ कर सकते हो, राइट। एंड जैसे मैंने आपको बोला था कि एक ही SAP GUI पे आप बहुत सारे सर्वर एक टाइम पर भी यूज कर सकते हो, लाइक मैंने SAP S/4HANA का फंक्शन सर्वर 2022 के भी क्रेडेंशियल्स ऐड कर रखे हैं, 2021 के भी क्रेडेंशियल्स ऐड कर रखे हैं, ECC डेडिकेटेड सर्वर जो हमारे पास होता है स्टूडेंट्स को जो हम प्रोवाइड करते हैं उसके भी हमने क्रेडेंशियल्स ऐड कर रखे हैं। तो लाइक अगर मैं 2022 वर्जन जो अभी तक का सबसे लेटेस्ट वर्जन S/4HANA का अगर उस पर लॉग इन करना चाहूँ तो मैं उस पर भी लॉग इन कर सकता हूँ, जस्ट मेरे को सेलेक्ट करना है, लॉग इन पर क्लिक करना है, एंड यहाँ पर मेरे को अपनी यूजर आईडी एंड पासवर्ड देना है, एज सिंपल एज दैट, एंड एंटर, देन ये मेरा S/4HANA का जो है 2022 वर्जन ओपन हो गया। तो मैं एक ही GUI पर बहुत सारे सर्वर्स जो है प्रैक्टिस कर सकता हूँ एट अ सिंगल टाइम, ओके, लाइक जो भी मेरे को सर्वर्स पे जाकर प्रैक्टिस करना है उसको मेरे को सेलेक्ट करना होगा, लॉग इन करना होगा, एंड अपना यूजर आईडी एंड पासवर्ड मेरे को वहां पर देना होगा जो भी मैंने अपने सर्वर प्रोवाइडर्स से रेंट पे लिया है, राइट। सो राइट, एंड या मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जो बिगिनर्स होते हैं उन्होंने SAP का जो इंस्टॉलेशन कर लिया, सर्वर भी ले लिया, अब नाउ क्वेश्चन इज कि वो कैसे सीख सकते हैं। तो देखो मार्केट में 3-4 तरीके से SAP जो है उसको सीखा जाता है, तो इट्स नॉट अ रॉकेट साइंस यार, बहुत ही इजी ERP सॉफ्टवेयर है, अब बहुत ही सिंपली इसको 3-6 मंथ में बहुत अच्छे से सीख सकते हो एक मॉड्यूल को, राइट, अगर आप डेडिकेशन से अगर सीखते हो तो बहुत ईजिली सीख सकते हो। तो देखो 4-5 तरीके होते हैं सीखने के, पहला तरीका होता है फ्री सोर्स, राइट। सो अगर आपको फ्री सोर्स से सीखना है तो मैं आपको बता देता हूँ आप कहाँ कहाँ से सीख सकते हो। YouTube से आप सीख सकते हो, LinkedIn से सीख सकते हो, LinkedIn पर जो है उस मॉड्यूल के जो लोग होते हैं वो रिपीटेडली वहाँ पर पोस्ट करते रहते हैं डॉक्यूमेंट्स के फॉर्म में, राइट, तो ये आपके बहुत हेल्प आने वाला है। एंड यूट्यूब्स पे बिलीव मी गाइस इतना कंटेंट अवेलेबल है गूगल एंड यूट्यूब पे जहाँ से आप बहुत कुछ सीख सकते हो, एटमोस्ट आप SAP का जो है मॉड्यूल अच्छे से एकदम सीख सकते हो, राइट। सो एक तरीका होता है कि आप फ्री सोर्स से सीखो लाइक लिंक्डइन एंड यूट्यूब, एंड अगर आप MM या FICO मॉड्यूल से हैं तो ऑलरेडी मैंने शॉर्ट्स बनाए हुए हैं, आप जाके मेरे प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हो, टॉप 10 यूट्यूब चैनल्स फॉर SAP FICO एंड टॉप 10 यूट्यूब चैनल्स ऑफ SAP MM, राइट। MM के लिए आप मेरे भी लेक्चर से सीख सकते हो, मैंने ऑलमोस्ट सारा सिलेबस बहुत ही वेल डिफाइंड मैनर में कवर किया है, लाइक कि अगर आप 8th या 10th स्टैंडर्ड के बच्चे को भी अगर सिखाना चाहो तो वो भी सीख सकता है मेरे लेक्चर से, इस तरीके से आपके लिए लेक्चर बनाए गए हैं, राइट। सो एक तरीका होता है फ्री सोर्स से सीखना, सेकंड तरीका होता है यूडमी से। अगर आपको लग रहा है कि आप फ्री सोर्स से नहीं सीख पा रहे हो, राइट, तो आप यूडमी से जाके 2,000 or 3,000 के अंडर में एक अच्छा सा कोर्स परचेज कर सकते हो, राइट। सर्वर प्रैक्टिस के लिए आप हमसे ले सकते हो या फिर मार्केट में अगर आप किसी और से लेना चाहो तो उनसे ले सकते हो एंड प्रैक्टिस कर सकते हो। थर्ड ऑप्शन इज पर्सनल ट्रेनर, राइट। मैं मैक्सिमम स्टूडेंट को ये ऊपर के दो
जो ऑप्शंस हैं वो ही रिकमेंड करता हूँ कि अगर वो इन दोनों से कर लेते हैं तो ये इतना एक्सपेंसिव नहीं पड़ता है, राइट? सो या अगर आप सैप सर्वर हमसे लेना चाहते हो तो ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है। आप नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर आपको मेरे सारे नोट्स, सारे लेक्चर फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हो जाएंगे। वहाँ पर अभी तक ऑलमोस्ट 600-700 स्टूडेंट ऑलरेडी ज्वाइंट हैं। आप चाहो तो वहां पर ज्वाइन कर सकते हो, राइट? एंड अगर आपने पहले मेरा वीडियो देखा होता सैप इंस्टॉलेशन का, तो उस पर ऑलमोस्ट 300 स्टूडेंट्स ने अपने पॉजिटिव फीडबैक दिए हुए थे अबाउट सैप सर्वर, राइट? तो कौन कौन से हमारे पास सैप सर्वर अवेलेबल हैं? सैप ईसीसी के लिए हमारे पास सारे मॉड्यूल्स के लिए अवेलेबल हैं। S/4HANA हमारे पास लेटेस्ट अवेलेबल है इन द मिनिमम प्राइस इन द मार्केट। आप पता कर सकते हो 2021 वर्जन, 2022 वर्जन दोनों अवेलेबल हैं विथ फ्यूरी, राइट? MMSD, FICO, PP, HR सारे मॉड्यूल्स के लिए, सारे फंक्शनल मॉड्यूल के लिए अवेलेबल हैं। ECC एंड S/4HANA ABAP एंड बेसिस दोनों के लिए अवेलेबल है। S/4HANA EWM अवेलेबल है, SuccessFactors अवेलेबल है। SAP के ऑलमोस्ट सारे सर्वर हमारे पास अवेलेबल हैं। आप हमको इस नंबर पर DM कर सकते हो, नहीं तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा जो ईमेल आईडी है वो भी मिल जाएगा, वहां पर भी आप मेरे को डायरेक्टली मेल कर सकते हो, राइट? सो ये था हमारा आज का इंस्टॉलेशन वीडियो। एंड आई आई कैन अशेयर यू कि आप अगर विंडोज अगर आपके पास है तो आप बहुत इजीली मेरे वीडियो के हेल्प से, ट्यूटोरियल के हेल्प से बहुत ही इजीली इंस्टॉल कर सकते हो, राइट? एंड आपको एकदम प्रॉम्प्ट रिस्पॉन्स मिलेगा अगर आपको कोई भी इशू आता है तो। सो एंड MM के लिए क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हैं। टोटल कोर्स जो है ऑलमोस्ट मैंने जो है अपलोड कर दिया है। एंड इसके लिए प्लेलिस्ट बनाई है, एरर्स की अलग से प्लेलिस्ट बनाई है, तो आप बहुत ही अच्छे से इनको इंस्टॉल कर सकते हो। तो आई होप कि आप मेरे को इस बार भी पिछली बार की तरह प्यार दोगे, इस लेक्चर को लाइक करोगे, इतने लोगों तक इसका रीच पहुंचाओगे कि जो लोग भी अफोर्ड नहीं कर सकते हैं एक्सपेंसिव क्लासेस, उन तक ये वीडियो जो है सेंड करोगे, एंड जिससे कि वो इजिली इसको इंस्टॉल कर सकें सैप GUI को। एंड अपना अगर आपने ऑलरेडी मेरा सर्वर पहले भी यूज़ किया है, अगर मेरे आप पुराने स्टूडेंट हो तो प्लीज़ अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में दें, राइट? जैसे आपने पिछली बार अपने फीडबैक्स दिए हुए थे। सो थैंक यू गाइस लास्ट तक बने रहने के लिए। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। मे